सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और मैं हूं मनेंद्र सिंह गोला, आपका दोस्त, आपका साथी। और आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जो पिछले अभी कल जो वेबिनार हुआ था, शाम को रात में जो वेबिनार हुआ था, जो हर सोमवार को वेबिनार होता है, उसमें कुछ अपडेट्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स हम सब लोगों के सामने आई है, तो उसकी कुछ पॉइंट्स मैंने भी नोट डाउन किए हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स भी होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस वेबिनार्स के अंदर आते हैं। लगभग 4-5 हजार लोग उस वेबिनार के अंदर आए थे, और उस वेबिनार के अंदर लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में आए थे हमारे एस मुफारिस सर। तो उन्होंने बहुत ही कुछ स्पेशल बातें हम सब लोगों को बताई हैं, और वो सारी की सारी बातें आप लोगों तक पहुंचाना हमारा काम है। तो ज्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली जो अपडेट है वो है हमारी फॉर एनी प्रॉब्लम। पहली अपडेट क्या है? फॉर एनी प्रॉब्लम गो टू सपोर्ट टीम, वैलिड रीजन एंड विद द फुल डिटेल्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आपके बैक ऑफिस में, आपकी ओ फाउंडर की वेबसाइट में, तो आप सपोर्ट टीम को आप मैसेज कर सकते हैं, और वैलिड रीजन देना वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप पूरी डिटेल्स फिल नहीं करते हैं कि आपकी ईमेल आईडी क्या है, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपका फोन नंबर क्या है, और केवल आप कुछ हेल्प करके या एक दो लाइन, एक दो वर्ड ही लिख देते हैं, तो उनको समझने में दिक्कत आती है। इसलिए वो आपका कोई भी टिकट होता है, तो कोई भी सवाल होता है, वो पेंडिंग में ही रह जाता है, उसका आंसर सपोर्ट टीम नहीं दे पाती है। दूसरा है डिस्ट्रप्टिव फीचर्स। जी हाँ, वैसे तो हमारे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, डे बाय डे उसकी जो भी जानकारी मिलती है मैं आपको देता रहता हूं, लेकिन जितने भी फीचर्स हमारे आने वाले हैं वो सब डिस्ट्रप्टिव फीचर्स उसके अंदर होंगे। यानी कि ऐसे फीचर्स जो किसी भी एप्लीकेशन के अंदर आपको नहीं मिलेंगे, कुछ ऐसे फीचर्स उसके अंदर होंगे, यानी कि कुछ यूनिक चीज हमारे एप्लीकेशन के अंदर आपको मिलेगी। तीसरा है सम प्रोडक्ट आर रेडी। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ऐश मुफारिस सर ने उनका अभी तक जिक्र तक नहीं किया है, उसका अभी तक नाम तक नहीं लिया है, तो बैकएंड में उन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम चल रहा है। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो लगभग 90% रेडी हो चुके हैं, लगभग रेडी हो चुके हैं, उन प्रोडक्ट का अभी नाम तक नहीं लिया है। तो आप सोच सकते हैं कि कंपनी कितनी तेजी से काम कर रही है। अगला है नेक्स्ट फेज। जी हाँ, नेक्स्ट फेज आपको पता है कि फाउंडरशिप हमारी क्लोज हो चुकी है और हमारी कंपनी नेक्स्ट फेज में आ चुकी है। अब जो नेक्स्ट फेज है वो है हमारा कंपनी की लॉन्चिंग की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, सेलिंग की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जो भी हमारे प्रोडक्ट सेल होंगे, जो मार्केटिंग कैंपेन होगी, और जो ट्रैफिक, टारगेटेड ट्रैफिक जो आने वाला है, उन सभी पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। ये होगा हमारा नेक्स्ट फेज, हमारी कंपनी नेक्स्ट फेज में पूरी तरीके से जा चुकी है। उसके अलावा अगला जो अपडेट है वो है फिजिकल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट के साथ साथ हमारे फिजिकल प्रोडक्ट भी रेडी हो रहे हैं। आप ध्यान दीजिए कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी होंगे जो फिजिकल प्रोडक्ट हैं हमारे, जो कि आने वाले टाइम में पूरी दुनिया के अंदर रन होंगे। आपको एक बात याद होगी कि कोई भी इंटरनेट चलाने के लिए हमें किसी भी हार्ड डिवाइस की भी जरूरत होती है, और वो डिवाइस किसी न किसी कंपनी के पास से हम खरीदते हैं। तो ऐसे ही ऑन पैसिव आने वाले टाइम के अंदर हार्ड डिवाइस यानी कि फिजिकल प्रोडक्ट भी बना रही है, जो भी पूरी दुनिया में सेल होने वाले हैं। इसके अलावा अगली अपडेट्स है हमारे पास डोंट सेल योर पोजीशन। जी हाँ, अब इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे, डोंट सेल योर पोजीशन। पोजीशन का मतलब आपकी जो फाउंडरशिप की पोजीशन है, अगर आपने इसको गलती से भी सेल करने के बारे में सोचा, गलती से भी इसको बेच दिया, तो आपकी आईडी टर्मिनेट हो सकती है, आपके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। जी हाँ, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, अगर आपने अपनी आईडी को जरा सी भी सेल करने की कोशिश की तो। सो पेंडिंग फाउंडर्स क्लोजिंग वेरी सून। जितने भी हमारे पेंडिंग फाउंडर्स रह गए हैं, उस आपने देखा होगा कि पेंडिंग फाउंडर्स मतलब जिन्होंने अपना पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है और उन्होंने अपना पे अभी तक नहीं किया है, $97 पे नहीं किया है, तो वो सभी पेंडिंग फाउंडर के अंदर हैं। वो भी बहुत जल्दी से जल्दी 2-3 दिन के अंदर वो भी क्लोज हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? क्योंकि उनकी ज्यादा संख्या नहीं है, मुश्किल से 10-20 हजार के आसपास उनकी संख्या रह गई है। सो डोंट सेल योर आईडी। उसके अलावा चेक योर बैक ऑफिस फॉर रेगुलर अपडेट्स। हमारे पास बैक ऑफिस है, हमारे पास ओ फाउंडर की वेबसाइट है, जितने भी हम फाउंडर्स हैं, जो भी अपडेट्स कंपनी की तरफ से आती है वो वहां पर आपको मिलती रहती है। प्लीज आप उसको कम से कम दिन में, अगर बार बार ओपन नहीं कर पाते हैं, तो एक बार अपने ओ फाउंडर की वेबसाइट को जरा ठीक तरीके से अवलोकन किया करें। इसके बाद टोटल फाउंडर्स में पेंडिंग फाउंडर्स भी हैं, यानी कि जो कुछ लोगों का ये सवाल था कि सर जो हमारे
जो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और जो लोग अपना पेमेंट पे कर रहे हैं, तो उनकी संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है? तो एक बात यहाँ पे एसर ने क्लियर कर दी थी कि यहाँ पर जो हमारी संख्या इस समय दिखाई दे रही, जहां पर हमारी क्लोजिंग पूरी तरीके से हो चुकी थी, उसमें पेंडिंग फाउंडर और पेड फाउंडर दोनों मिक्स हैं। जी हाँ, पेंडिंग फाउंडर और पेड फाउंडर दोनों मिक्स हैं। अगर कोई भी अपना पेड करना चाहता है $97, तो उसकी संख्या बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। वो उसकी टोटल संख्या है जिसमें पेंडिंग फाउंडर भी शामिल है। अब जब ये 2-3 दिन का जो समय दिया गया है, जब यहाँ पे ये समय पूरा हो जाएगा, तो अगर जिस व्यक्ति ने अपनी $97 से आईडी को टॉपअप नहीं कराया, तो जो टोटल नंबर है उसमें से संख्या कम हो जाएगी। अगला है द बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ ऑन पैसिव। हमारा जो ऑन पैसिव है वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और इसलिए इस पे इतना ज्यादा वक्त लग रहा है। 4 साल तो पूरे हो चुके हैं और मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय और लगेगा और 2022 के अंदर आपको बहुत बड़ी खुशखबरी 100% जरूर मिलेगी। ये मेरा पूरा यकीन है ऑन पैसिव के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो तैयारी पूरी हो चुकी होनी थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। अब केवल और केवल लॉन्चिंग की तैयारी की जा रही है, प्रोडक्ट सेल करने की तैयारी की जा रही है और टारगेटेड ट्रैफिक की तैयारी की जा रही है, और यहीं से ही हमारा एक बहुत बड़ा मिशन शुरू होता है। उसके बाद आपकी सक्सेस के लिए ही कंपनी काम कर रही है। जो काम ऑन पैसिव कर रही है और इस प्रकार का कोई भी काम कर रही है और कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि ऑन पैसिव जो काम कर रही है वो हमारी सक्सेस के लिए ही काम कर रही है। हम सब लोगों ने फाउंडरशिप ली है, इसका मतलब यह है कि हमने कंपनी की भी हेल्प की है, हमने भी कंपनी को एक कुछ भी कह सकते हैं कि हमने भी कंपनी की हेल्प की है, उसमें हमने शेयर दिया हुआ है। और हम इसलिए कंपनी ने हम सब लोगों को एक बहुत बड़ा फाउंडर के रूप में चुना है, हमें एक फाउंडर के रूप में चुना गया है। बेस्ट सर्विस फॉर द कस्टमर, कस्टमर को बेस्ट सर्विस देने के बारे में एसर का सबसे बड़ा मिशन है कि हम अपने कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट सर्विस देने का पूरा प्रयास करेंगे। और जितनी सर्विस अच्छी होती है हमारे कस्टमर की बिजनेस के अंदर, उतना ही व्यापार आपका तेजी से बढ़ता है। मिशन और विजन बहुत बड़ा है, हम एक बहुत बड़ी विजनरी कंपनी के साथ हैं। जी हाँ, ये बात हम सब लोगों को अच्छी तरीके से माननी पड़ेगी कि हम सब लोगों का विजन और मिशन क्लियर है पूरी तरीके से। जब कंपनी का पूरी तरीके से विजन और मिशन पूरी तरीके से क्लियर है, तो हमारा भी पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। और आपको ये बता दूं कि आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी के फाउंडर हो, एक छोटी मोटी कंपनी के फाउंडर नहीं हो। और यहां पर इसलिए हम सब लोगों को गर्व होता है कि हम इतनी बड़ी कंपनी के आज फाउंडर बने हैं। और हम सब लोग बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करते हैं और बहुत ही ज्यादा लकी पर्सन है कि हम आज ऑन पैसिव के फाउंडर बने हैं। तो आप ये मत सोचो कि आप एक छोटी मोटी कंपनी के फाउंडर हो। आपका मिशन, जब कंपनी का मिशन बहुत बड़ा है, तो आप सोचिए तो आपका भी मिशन ऑटोमेटिक कंपनी के अनुसार बड़ा जरूर हो जाएगा। अब कुछ लोगों का तो हो चुका है। लास्ट इसमें यह था कि ओकेडमी इज द बिगेस्ट एप्लीकेशन। जी हाँ, हमारा जो ओकेडमी एप्लीकेशन है वो सबसे बिगेस्ट एप्लीकेशन होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि इस दुनिया के अंदर कुछ भी, कोई भी काम रुक जाए, लेकिन एक चीज कभी भी नहीं रुकती है, वो है एजुकेशन। जी हाँ, वो है एजुकेशन। जिसके घर के अंदर बच्चे हैं वो हमेशा एजुकेशन की तरफ जरूर लेंगे, उनके माँ उनको एजुकेशन जरूर कराएंगे, क्योंकि बिना पढ़ाई लिखाई के कोई भी इंसान आज आगे नहीं बढ़ सकता। जो इंसान इस दुनिया में पैदा हो गया है उसको स्कूल जाना कंपलसरी है, चाहे वो अपने फिजिकल स्कूल में जाए या ऑनलाइन ट्रेनिंग ले या ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से किसी भी टाइप की एजुकेशन ले, उसको एजुकेशन लेना जरूरी है। इसलिए जो ओक एकेडमी हमारा जो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, ये बहुत ही बिगेस्ट एप्लीकेशन होने वाला है, जिससे कि एक बहुत बड़ा ट्रैफिक यहां से ऑन पैसिव को मिलेगा पूरी दुनिया के अंदर। ओके दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी अपडेट्स। जो सोमवार को वेबिनार हुआ था रात में, और जो भी अपडेट्स होती हैं उसके बारे में हम डिटेल्स में बताते रहते हैं, जैसे कि आपको हमारे इस चैनल से आपको रियल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ओके, तो अगर आप ऑन पैसिव पे आ गए हैं तो 100% आप अपने आप पे प्राउड फील कर सकते हैं, आप अपने सपनों को और बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि इस 2022 के अंदर आपको ढेर सारी खुशियां यहां से मिलने वाली है, ढेर सारी ग्रेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहां से मिलने वाली है। ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है जिनका आप पिछले कई सालों से, कई महीनों से इंतजार कर रहे थे कि ये आज हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीने के अंदर देखिए ऑन पैसिव अपना पूरा का पूरा रूप बदल देगी। आपने
कभी सोचा भी नहीं होगा आपने, यकीन भी नहीं किया होगा और आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे इस टाइप का रूप अगले 3 महीने के अंदर कंपनी बदल देगी। ओके, तो मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नई फैंटास्टिक इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना यहाँ पे सुरक्षित है, सुनिश्चित है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, वी आर इन इट टू विन इट। अब इतनी देर देख लिया, थोड़ा और देख लो, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट मैसेज है, और वो ये है कि अगर इस वीडियो का अगला भाग भी आप चाहते हो कि मैं लाऊं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ, और इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया उसको भी कमेंट बॉक्स में अरे यार ऐसे धक्का देता है कोई। हाँ तो सुनो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बटन को भी दबा देना, और इस वीडियो पर 100 लाइक चाहिए मुझे, 100। जिसने भी वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो समझ लेना जग्गा नाम है हमारा, सपने में आते हैं हम। ठीक, चलो बंद कर, चल।